जय महाकाली, मैं आपका फिर से स्वागत दोस्तों। आइए, हमारे पास एक लैपटॉप है, HP लैपटॉप है, 15.6 का लैपटॉप है, DA0389TU मॉडल है, जो HP पेंटियम गोल्ड सीरीज का लैपटॉप है। इस तरह का इस लैपटॉप में अक्सर एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जो खासकर काफ़ी लोग हमारे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि सर इसका कुछ सलूशन बताइए। तो दोस्तों आइए, आज इसका हम एक सलूशन बताते हैं। देखिए, कभी कभी ये मैसेज आपके लैपटॉप में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये मैसेज आते हैं इस तरह का, आपको देखेगा, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज़ इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर हार्ड डिस्क, मतलब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करिए, ऐसा मैसेज आपका लैपटॉप दे रहा हो। उस कंडीशन में एक बहुत छोटी सी सेटिंग है जिसको आप करके इस सारी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार हम आपको दिखाते हैं। पहले लैपटॉप को हम पूरी तरह से बंद कर लेंगे, इसके बाद चालू करके एस्केप बटन दबाएंगे ताकि हम बूट मेनू में जा सकें, बायोस में। एस्केप बटन जैसे दबाएंगे तो इस तरह का ऑप्शन देगा, फिर ये बूट मेनू में जाएगा आपका। फिर से कर लेते हैं, एस्केप बटन को आपको दबाना होता है। इस तरह से इसके बटन दबा के हम लोग बूट मेनू में जाएंगे। अब यहाँ पे आएगा बायोस में जाने के लिए F10 दबाने के लिए, F10 हमने दबा दिया। अब इस तरह से हमने बायोस में आ गए। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली जाना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर मैसेज दे रहा होगा, अब ध्यान से देखिएगा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम नीचे आएंगे, बूट ऑप्शन, बूट ऑप्शन पे इंटर करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके खुल के आएंगे। हम लोगों को जो इस तरह की समस्या उसको दूर करने के लिए सबसे यहाँ पे लिखा होगा लेगेंसी सपोर्ट, ये आपका डिसेबल है, इसको हमको इनेबल करना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने किया डिसेबल को इनेबल, ये मैसेज आपको देगा कि आप डू यू वांट टू, आप इसका चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर ये लेगेंसी सपोर्ट इनेबल हो चुका है, अब जो ये समस्या आ रही थी वो नहीं आएगा। अब हम F10 यस इंटर कर लेंगे, लैपटॉप आपका रिबूट होगा और आपकी समस्या दूर हो चुकी होगी, चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब लैपटॉप स्टार्ट हो तो ये HP में लैपटॉप में बता रहा है कि आपकी सेटिंग को चेंज किया गया, उसके आप कंप्लीट चेंज एक्सेप्ट करना चाहते तो यहाँ पर हर बार अलग अलग कोड देगा, ध्यान दीजिएगा, 4772 प्लस इंटर, यहाँ पे हर बार अलग अलग कोड देगा। इस समय हमारे पास दिया 4772 इंटर, अभी आपका प्रॉपर विंडोज 10 खुल जाएगा, आप देख रहे हैं इस तरह से विंडोज़ आपका खुल जाएगा।